आज के गेमिंग न्यूज के एपिसोड में आपको GTA 6, BGMI, IGA Origins, Prince of Persia, Spider-Man 2, Minecraft, Gangster New York, Assassin's Creed एंड और भी बहुत सारी गेमिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने को मिलेगी। सो भाई आज का एपिसोड तो बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत सारी अच्छी न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है थोड़ी सी, बट आपको जरूर बतानी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करते हैं गेमलॉफ्ट की तरफ से आने वाले गैंगस्टर गेम की, जिसका नाम है गैंगस्टर न्यूयॉर्क। सो इसका ओपन अल्फा किया गया था, जहां PC प्लेयर इसे फ्री में खेल सकते थे एंड डेव्स को फीडबैक भी दे सकते थे। वो ओपन अल्फा खत्म हो चुका है, बट हाँ इसका ओपन अल्फा का नया ट्रेलर जरूर सामने आया है। इस गेम में आपको 20 मिनट्स के मैचेस खेलने होंगे एंड सबसे ज्यादा कैश लूटना होगा टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी। कैश लूटने के लिए आप ATM हैक करो, कार्स चुरा के बेचो या दूसरे प्लेयर्स को ही रॉब कर लो। एंड जहां तक मेरे को पता है गैंगस्टर न्यूयॉर्क गेम जो है वो PC एंड मोबाइल दोनों के लिए आएगा जब आएगा। भाई मोबाइल गेम्स तो बहुत खेलते हो, बट थोड़े पैसे भी कमा लो और उसके लिए कोई गेम नहीं खेलना, बस एक ऐप डाउनलोड करनी है। हाँ यकीन नहीं होता ना कि भाई ऐप आपको खाली बैठने का पैसा क्यों देगी, इसलिए तो हनीगेन यूनिक है जो आपका इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके आपको देती है पैसे। मतलब उबर की तरह हो गया ये, बट गाड़ी नहीं, आप इंटरनेट रेंट पे दे रहे हो, बस बैकग्राउंड में ऐप चला के छोड़नी है। अब ऐसा नहीं है कि उससे अपना घर चला लोगे या फिर गेमिंग PC खरीद लोगे, बट हाँ अगर कोई गेम स्किन खरीदनी है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो जरूर कर सकते हो। वरना अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इन्वाइट करो और 10% उनकी अर्निंग का आपको मिलेगा। और द लकी पॉट गेम खेलो टू स्टैंड अ चांस टू विन 10,000 क्रेडिट्स एवरी डे। एंड प्राइवेसी की चिंता ना करना, बिल्कुल सिक्योर है। भाई ये गेम्स आपको ऐड्स दिखा दिखा के इतना पैसा कमा रहे हैं, आप कब कमाओगे? बेसिकली आपका इंटरनेट उन बिजनेसेस के साथ शेयर हो रहा है जिन्हें पब्लिक वेब डेटा चाहिए, लाइक प्राइसिंग डिटेल्स, क्योंकि बेस्ट डील वेबसाइट्स को डिफरेंट रीजंस में प्राइसेस कंपेयर करने पड़ते हैं। एंड इसलिए हनीगेन इज लाइक गूगल ऑफ वेब मॉनिटरिंग फॉर दीज कंपनीज। बहुत से बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने तो इसे ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ ही है। सो इंतजार किस बात का, मेरे प्रोमो कोड लेजी को यूज करो एंड डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अभी साइन अप करो, सीधे अकाउंट में $5 मिल जाएंगे आपको। बात करते हैं उन गेम्स की जिन्हें आप क्लेम कर सकते हो, तो इस वीक एपिक गेम स्टोर का मिस्ट्री गेम है फॉलआउट न्यू वेगस। वैसे तो 2010 में रिलीज हुआ था, बट ये ट्रिपल ई ओपन वर्ल्ड गेम आज भी काफी बढ़िया है, इसलिए क्लेम जरूर कर लेना। आगे लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या आएगा। उसके अलावा प्राइम गेमिंग पे जून 2023 में 13 गेम्स आ रहे हैं, इनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो इंडस के डेव सुपर गेमिंग ने कम्युनिटी प्लेटेस्ट 4 की डेट कंफर्म कर दी है, चूंकि 15th जून एंड ये पुणे में होगा। 30 स्लॉट्स अवेलेबल है जिनके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ई-स्पोर्ट्स फोकस इस प्लेटेस्ट में मेन फीचर्स है रिवाइव, स्क्वाड इनवाइट्स, पिंग सिस्टम, स्पेक्टेट मोड, सप्लाई ड्रॉप्स एटसेट्रा। बाकी अभी रिलीज डेट पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी गई है, बिकॉज उनका कहना है कि बहुत सारे प्लेटेस्ट जरूरी है टू डेवलप दिस गेम। माइनक्राफ्ट का नया 1.20 अपडेट जिसका नाम है ट्रेल्स एंड टेल्स, वो फाइनली आ रहा है एंड जून 7 को रिलीज हो जाएगा। सो फाइनली आप इस अपडेट को फ्री में डाउनलोड कर पाओगे एंड इसमें बहुत कुछ नया आने वाला है, लाइक कैमल्स, स्निफर, देन न्यू ब्लॉक्स आएंगे, बैम्बू आएगा, चेरी ब्लॉसम एंड ऑल्सो न्यू बायोम। बाकी आर्कियोलॉजी मैकेनिक भी आ रहा है एंड साथ में कुछ माइनर चेंजेस भी है, लाइक डेकोरेटिव ब्लॉक्स, हैंगेबल साइंस एटसेट्रा। मैंने इस पे कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग की क्या क्या आ रहा है, नहीं देखिए तो एक बार देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इतने टाइम बाद प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक पे भी न्यूज मिल गई है, बट हाँ अच्छी न्यूज नहीं है। बेसिकली आपको याद ही होगा कि लास्ट ईयर इसकी डेवलपमेंट पुणे एंड मुंबई स्टूडियो से ट्रांसफर करके मॉन्ट्रियल स्टूडियोस को दे दी गई थी। अभी उनकी तरफ से ये अपडेट है कि लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग वो गेम को नए तरह से बना रहे हैं। आज की डिमांड के अकॉर्डिंग वो एक रिमास्टर नहीं बना सकते, बल्कि एक रीमेक बनाना पड़ेगा प्रॉपर गेम का, और इसलिए वो वापस से कंसेप्शन फेज में चले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गेम फिर से अर्ली डेवलपमेंट में है और काफी टाइम लगेगा इसको आने में। यूबीसॉफ्ट ने खुद कह दिया कि इस साल तो आप हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि इसके बारे में कुछ सुनोगे भी। इवन यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड का जो इवेंट हो रहा है जून 12 को, उसमें भी ये गेम नहीं शोकेस किया जाएगा। तो अभी के लिए तो लग रहा है इसे भूलना ही सही है, बिकॉज पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको आने में। 2020 में अनाउंस हुआ था, 2023 में हम सुन रहे हैं कि ये वापस अर्ली डेवलपमेंट में चला गया, अब तो पता नहीं कब आएगा। एंड यूबीसॉफ्ट ने कंफर्म भी कर दिया कि POP के कोई और रीमेक्स प्लान नहीं है। फिर बात करते हैं BGMI की, तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि अब वो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है डाउनलोड करने को एंड शायद अब आप इसे खेल भी पा रहे होंगे, जैसे कि इस अनाउंसमेंट में लिखा ही है कि 29 मई से प्लेबल हो जाएगा। तो जाओ भाई मजे उठाओ गेम के। ऑल्सो BGMI के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी एक्टिव हो गए हैं एंड BGMI e-sports के चैनल का नाम चेंज करके क्राफ्टन इंडिया e-sports रख दिया गया। सो मुझे ये लग रहा है कि क्राफ्टन अब अपने और भी दूसरे गेम्स के e-sports को प्रमोट करेगा इंडिया में, जो कि अच्छी चीज है। फिर भाई एक और बैड न्यूज आ रही है, हम सभी लोग पिछले 3-4 साल से IGA Origins का वेट कर रहे थे एंड वो फाइनली साल आने भी वाला था, बट अब न्यूज ये आ रही है कि उसको बनाने वाली कंपनी बंद हो रही है। जी हाँ, इसे एंटी मैटर गेम्स बना रहा था जिसने पास्ट में राइजिंग स्टॉर्म 2 वियतनाम भी बना रखा है एंड वो बहुत सक्सेसफुल गेम रहा था। पिछले कुछ सालों से वो दो गेम्स पे वर्क कर रहा था, एक था IGA Origins जो कि दोनों ही IGA गेम्स का प्रीक्वल होता एंड एक रिबूट था सीरीज का, और दूसरा गेम था 83 जो कि 80 प्लेयर शूटिंग गेम था सेट इन एन ऑल्टरनेट हिस्ट्री। बट जो इसकी पेरेंट कंपनी है EG7, उसने डिसीजन लिया है इसे बंद करने का, बिकॉज लॉसेस बहुत हो रहे थे एंड इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था गेम को, जिसके बाद इसे बंद करना पड़ रहा है। वैसे ये बात तो सही है कि यार इंडिया से बाहर शायद IGA Origins को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला, क्योंकि बहुत कम इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर करते आए हैं एंड इंडिया से ट्रैक्शन मिलने का फायदा भी नहीं है, बिकॉज यहाँ तो लोग क्रैक करके खेलने वाले हैं, भला डेव्स पैसे कैसे कमाएंगे। सो अब लेट्स सी कि क्या फ्यूचर रहता है IGA Origins का।
देन फार्मिंग सिम्युलेटर 23 ग्लोबली रिलीज हो चुका है फॉर एंड्रॉइड iOS एंड Nintendo Switch। नाम से ही समझ रहे हो कि आप इसमें फार्मिंग कर पाओगे, लाइक क्रॉप कल्टीवेशन, फार्म मैनेजमेंट। फिर आप इक्विपमेंट्स खरीद या बेच सकते हो, फार्म्स एक्सपेंड कर सकते हो एंड बड़े लैंड्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सीजंस भी चेंज होते रहेंगे तो अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। बहुत सारे व्हीकल्स एंड मशीन्स होंगी लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, फील्ड स्प्रेयर्स एक्सेट्रा। बट हाँ, ये गेम फ्री नहीं है बल्कि पेड है। देन न्यू स्टेट मोबाइल का भी नया अपडेट आ गया है जिसमें बाउंटी रॉयल भी है। ग्राफिक्स इंप्रूव करे गए हैं एंड वेपन्स और एमो को एनहांस किया गया है। सो बाउंटी रॉयल को रीमेक करके लॉन्च किया गया है जिसमें AI प्लेयर्स भी हैं टू एनहांस द इंटेंसिटी ऑफ गन बैटल्स। बाकी 32 ह्यूमन प्लेयर्स टीम बना के एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेल सकते हैं। बेसिकली आपको स्क्वाड पॉइंट्स बढ़ाने होते हैं बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड मर गए तो वापस आ जाओगे। बाकी हाई एंड डिवाइसेस के लिए हायर क्वालिटी ग्राफिक्स ऑप्शन भी आ गए हैं जो कि 90 FPS पे चलेंगे। फिर MG5 नाम का एक नया वेपन भी आया है जो कि एक LMG है एंड 7.62 एमओ यूज करती है। देन SLR में चेंजेस कर दिए गए हैं जो कि अब इंसेंडरी राउंड्स भी सपोर्ट करती है, मतलब उनसे एनिमीज को बर्न डैमेज भी होगा। और हाँ, सर्वाइवर पास वॉल्यूम 19 तो आ ही गया। सो PUBG मोबाइल को बनाने वाले डेवलपर लाइट स्पीड स्टूडियोज का नया गेम आ रहा है जिसका नाम है अनडॉन। ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक गेम है जहाँ रिसोर्सेज गैदर करने हैं, मॉन्स्टर से फाइट करना है एंड बहुत कुछ है। साथ ही इसका एक सिनेमैटिक ट्रेलर भी रिलीज किया गया है जिसमें विल स्मिथ भी है, आप जानते हैं उनको, अवार्ड विनिंग एक्टर है एंड एनिमीज से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक सिटी में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो मैं आई एम लेजेंड मूवी का कोई सीन देख रहा हूँ। वैसे वो मूवी देखना जरूर, हाईली रिकमेंडेड है। उसके अलावा गेम के प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, जून 15 को लॉन्च भी हो जाएगा। वेल तो जब से टेक टू की लास्ट अर्निंग्स कॉल हुई एंड उन्होंने कहा कि FY 2025 में वो ग्राउंड ब्रेकिंग गेम्स रिलीज करने वाले हैं जिससे वो $8 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद से ना स्ट्रॉजेनिक बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं जो पहले नहीं देते थे वो। रिसेंट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि हर बार आप GTA को पहले से भी ज्यादा बेटर कैसे बना पा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है रॉकस्टार के लिए क्योंकि उन्हें हर बार कुछ ऐसा बनाना है जो कि प्लेयर्स ने पहले कभी ना देखा हो एंड उन्हें ये भी ध्यान रखना कि वो ओल्ड GTA की फीलिंग भी दे उसमें और साथ में नए एडिशंस भी हो। एंड एक काम करने के लिए रॉकस्टार गेम सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागता है। अब स्ट्रॉज एक ऐसे बंदे हैं जो कभी भी इतना खुल के बात नहीं करते अपने फ्यूचर गेम्स के बारे में, बट अब वो कह रहे हैं कि जो गेम आएगा अगले साल वो परफेक्ट होने वाला है। तो इससे पता लगता है भाई GTA 6 बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेम होगा जो GTA 5 के RDR 2 से भी कई गुना ज्यादा बेटर हो सकता है। होपफुली हमें इस साल के एंड तक गेम अनाउंसमेंट मिल जाए एंड नेक्स्ट ईयर तक गेम रिलीज भी हो जाए। ये स्ट्रॉजल लिख नहीं कह रहे बट हाँ, जनरल कंसेंसस है। जॉन विक की बात करें तो जॉन विक 4 की मैसिव सक्सेस के बाद आगे के प्लान्स डिस्कस किए गए हैं एंड भाई जॉन विक के गेम पर भी बात चल रही है क्योंकि वो इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं एंड वो लोग बहुत एक्साइटेड है टू मेक अ गेम ऑन जॉन विक। वैसे मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट जॉन विक की मूवी देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं मैक्स पेन की कोई मूवी देख रहा हूँ बिकॉज बंदा नॉन स्टॉप मारे ही जा रहा है। बस हाँ, मैक्स सिर्फ गन्स का यूज करता था बट जॉन विक तो ऑलराउंडर है और अगर उसका AAA गेम आ गया तो भाई मजा ही आ जाएगा। इस पे जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे मूवीज चैनल तो नहीं है बट हाँ, जॉन विक की बात हो रही है तो बता देता हूँ कि जॉन विक 5 ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। ऑल्दो आई डोंट नो वो क्या दिखाएंगे अब, स्पेशली आफ्टर द एंडिंग ऑफ जॉन विक 4। बाकी हाँ, वो पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं इसके अराउंड जिसमें बैलेरिना मूवी भी होगी एंड द कॉन्टिनेंटल TV सीरीज भी। मतलब सोचो, जो कहानी एक बंदे और उसके कुत्ते से शुरू हुई थी वो कितनी लंबी जाएगी। एंड फाइनली स्पाइडरमैन 2 का गेम प्ले रिवील कर दिया गया है। पूरे 10 मिनट का एक डेमो दिखाया गया है जहां हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर एंड माइल्स मोरालेस दोनों एक साथ हैं एंड स्पाइडरमैन भी सिम्बैट सूट में आ गया है। मतलब उसकी पावर्स बहुत खतरनाक हो गई हैं एंड पीटर पे थोड़ी बहुत इविल पावर्स भी हावी हो रही हैं। इसमें क्रेवन द हंटर भी होने वाला है एंड साथ ही वेनम भी। बाकी जो गेम प्ले दिखाया गया भाई बहुत ही औसम है, इतना ज्यादा एक्शन है, मतलब मजा आ गया देखने में, खेलने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। एंड हाँ, कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर पीटर और माइल्स दोनों हैं तो क्या ये कोऑप गेम होगा, बट नहीं, ये सिंगल प्लेयर गेम है, डेवलपर ने खुद कंफर्म किया है। बस हाँ, इसमें हम स्विच करते रहेंगे दोनों में। बाकी मुझे ग्राफिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा, या हो सकता है जब गेम खुद खेलूंगा तब पता लगेगा। अभी इसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई गई बट इंसोमनिया गेम्स का कहना है कि भाई बहुत जल्द रिलीज डेट, प्री ऑर्डर्स एंड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स सब रिवील कर दिए जाएंगे। बट वेट नहीं हो रहा भाई, बहुत एक्साइटेड हूं मैं इसके लिए। एंड जो नेक्स्ट बिगेस्ट न्यूज है वो है Assassin's Creed Mirage की एंड इसका आ गया है गेम प्ले ट्रेलर जिसको देख के नॉस्टैल्जिया आ गया भाई। इतना बढ़िया ट्रेलर है बिकॉज जो गेम प्ले है वो प्योर क्लासिक्स वाला है। ऐसे ही सिमिलर गेम प्ले हमें Ezio ट्रायलॉजी में देखने को मिला था, जो ट्रू फैंस सीरीज के एंड नए RPG गेम्स नहीं पसंद करते उनके लिए तो ट्रीट की तरह है। बाकी यहाँ नए फीचर्स भी आ रहे हैं लाइक Assassin's Focus जिसमें आप मल्टीपल एनिमीज को मार्क करके उनको असैसिनेट कर सकते हो एंड पोल वॉल्ट भी है जिसमें आप पोल की हेल्प से पार्कर कर पाओगे। गेम प्ले के साथ ही सेटिंग भी बहुत बढ़िया लग रही है जो कि ओरिजिन्स जैसी लग रही है। सही बताओ तो वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कांट वेट टू कंप्लीट इट। बस गेम हमें डिसअपॉइंट ना करे। खैर, उसका तो अक्टूबर 12 को ही पता चलेगा जब ये गेम रिलीज हो रहा है, मैं तो प्री ऑर्डर करके भी रख लिया भाई, सब पे आ रहा है, ओल्ड जेन, नेक्स्ट जेन, PC सब पे। फिर चलते हैं फाइनल न्यूज की तरफ। तो प्लेस्टेशन का बड़ा शोकेस हुआ था जिसमें बहुत कुछ अनाउंस हुआ। स्पाइडरमैन एंड DC यूनिवर्स तो आपको बता ही दिया, बाकी गेम कॉन्सेप्ट इंडिया पे 10 बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स की वीडियो आएगी, वो जरूर देखना। बाकी मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर का रीमेक अनाउंस हो गया है एंड फैंस बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 20 साल बाद इस लेजेंडरी गेम को रीमेक किया जा रहा है। बाकी मेटल गियर सॉलिड मास्टर कलेक्शन वॉल्यूम 1 भी अनाउंस हुई है, इसमें ओरिजिनल मेटल गियर 1 एंड 2 भी होंगे अलॉन्ग विद द ट्रायलॉजी। बाकी AEW फाइट फॉरएवर की रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है, ये June 29 को आ जाएगा फॉर PC, PS, Nintendo एंड Xbox। ये एक रेसलिंग गेम है जिसे शुरू करना तो आसान है बट
आंसर करना मुश्किल एंड इसमें कैंपेन मल्टीप्लेयर एंड न जाने भाई कितने तरह के मोड्स हैं। फिर नॉटी डॉग ने अपडेट शेयर किया है कि द लास्ट ऑफ अस मल्टीप्लेयर पे अभी भी काम बाकी है सो वो इसलिए शोकेस नहीं कर पाए, बट हाँ अब वो एक नए सिंगल प्लेयर गेम पे भी वर्क कर रहे हैं। लेट्स सी की व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर अस। देन कोटाकू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टार वॉर्स का नया गेम बना रहा है यूबीसॉफ्ट जो एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है वो 2024 में आ जाएगा, तो लेट्स सी भाई वो कैसा रहता है। सो बस गाइस यही था आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में। अगर आपको जानना है फॉल गाइस के बारे में कि कैसे वो शुरू हुआ और कैसे उसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ उसके लिए आप लेफ्ट वीडियो देखो, एंड अगर फ्लैपी बर्ड्स की कहानी जानने तो राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।